और समाज को एक बेहतर संदेश देने के लिए एक ऐसा भी विवाह हुआ था जो लोगों के लिए होगी एक मिसाल, अनूठी पहल श्रावस्ती जनपद के गिलौला क्षेत्र से आई सामने। आयुष्मती नंदनी व चिरंजीवी नंदी की हुई बड़ी इच्छा, अब होगा तिलक समारोह व विवाह। विवाह भी पुरानी परंपरा के अनुसार 3 दिन का होगा, 3रे दिन बारात होगी विदा। मामला श्रावस्ती और बहराइच जनपद से है जुड़ा, जहां पर बछड़े और बछिया का कराया जाएगा विवाह। आखिरकार क्या है इसका राज? अब अपने बछड़े का विवाह कर रहे हैं? हाँ भैया। किस लिए, क्या उद्देश्य, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? अब हम राखे हन का, हम हूँ राखे हन या बाबा हमने राखे रहे बछिया और गाय। हमारे इनके नपनिया कुत्ती पर दोनों जन के 5 साल बात हो गई। बाबा कहीं तैयार हो, हम चाहे अकेले आओ लेकिन हमारे यहाँ बराती आओ। भैया हमारे उनके बात बनी है, हमारे बछवा हमको शादी कर रहे थे बाबा के लिए, भोला बाबा ने कनिया कुट्टी कर। जैसे हम भी मिला यही ब्याह शादी था, इनका है कि जब तक जिया जाए तब तक इनका राखा जाए, राखे का बाद में शायद आओ कोई केरे मन में उपजे तो वो अपन पाल ले एक एक तो अकर धर्म। मतलब आप गो संरक्षण का संदेश देना चाहते हैं? तो एक दोनों शादी कहके तक राखा जाइए फिर अपने अस्थाई। आज क्या है यहाँ पे, आज कौन सा कार्यक्रम है? इनका हम बछड़ा दे आए हैं। अच्छा, इसका अब परीक्षा करने आए, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद में दिन तारीख हुई जेल में छुआ हुई, जो आदमी बारात आवत है जैसे बारात ये जही है, और भाई हमारे कहते हैं कितने कितने सारे दिन बारात विदा कर एक रोज जही भोर पार बढ़ारी हुई सवेरे खवा तो विदा कर। मतलब प्राचीन काल में जिस तरह शादियाँ पहले होती थी 10-20 साल पहले, ये दो एक दिन दो दिन वाला नहीं रहेगा। मतलब पहले दिन शादी, दूसरे दिन बढ़ार, तीसरे दिन विदाई। मतलब आप उस विवाह परंपरा को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं कि लोग ये तुरंत भाग लेते हैं? जस आप सोचो चढ़ाई भैया चौकी में निकल जाओगे हाँ ये बात है। हमका का हम तो सब चाचे पोछे मगर जी हाँ। मामला यूपी के श्रावस्ती से है, जहां पर गौ संरक्षण का संदेश मजबूती से समाज तक पहुंचाने के लिए इकौना इलाके के रामपुर कटेल गांव में अनूठी पहल हुई है। अलग अलग जिलों के दो परिवारों ने बछिया और बछड़े का विवाह तय किया है। आयुष्मती नंदनी व चिरंजीवी नंदी की बड़ी इच्छा गांव में विधि विधान से संपन्न हुई। विवाह के लिए 26 दिसंबर की तारीख तय हुई है। बहराइच जिले के पयापुर थाना क्षेत्र के नियनिया कुट्टी निवासी संत विश्व भारती भोला बाबा अपने सहयोगी संत मंडली के साथ अपनी देसी नस्ल की बछिया के लिए बरका बरण करने इकौना के रामपुर कटेल पहुंचे, जहां बभूति प्रसाद के घर लोगों ने कन्या पक्ष का स्वागत सत्कार किया। पुरोहित पंडित आशीष मिश्रा की मौजूदगी में बछिया मालिक संत ने देसी नस्ल के बछड़े के पालक बभूति प्रसाद को दान दक्षिणा फल मिठाई अर्पित कर उनके बछड़े को अपनी बछिया के बल के रूप में बरण किया। बछिया मालिक संत ने बताया कि मैंने अपने बेटी बेटी की तरह बछिया को पाला है, इसका विवाह बैंडबाजे के साथ धूमधाम से होगा। निमंत्रण पत्र बांटकर आसपास के गांवों के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। पुरोहित ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में पंचांग देखकर मार्ग से शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्दशी 25 दिसंबर को तिलक व पूर्णमासी 26 दिसंबर को शुभ विवाह का मुहूर्त तय किया है। बारात 3 दिन की होगी, जिसमें पहले दिन द्वार पूजा विवाह, दूसरे दिन शिष्टाचार व तीसरे दिन विदाई होगी। बछिया मालिक भोला बाबा ने बताया कि वर्तमान समय में गौवंशों की बड़ी दुर्दशा है। गौवंशों के सबसे बड़े पालक किसान ही बछड़ों
वाह, दूध न देने वाली गाय को बेसहारा छोड़ देते हैं। बछड़े और बछिया का विवाह करके जनमानस को गौ संरक्षण का संदेश देना चाहते हैं, जिसको लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 25 दिसंबर को आयोजित होगा तिलक समारोह, जबकि 26 दिसंबर को शुभ विवाह का मुहूर्त हुआ है। तय भारी संख्या में इस दौरान ग्रामीण मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में बरीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। अब तिलक व विवाह की तैयारी तेजी से जारी है। धन्यवाद। अब तो सारे राशि बात कटाना।